हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट हैं अपने, वो सारे के सारे यहाँ पे रख दिए गए हैं। और ये नवरात्रि सेल और दिवाली सेल ही समझ लो आप इसको। यहाँ पे जितना भी स्टॉक रखा हुआ है, सारा का सारा हमने लगा दिया है। हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, अभी कुछ प्रोडक्ट हैं जो वो इस वीडियो में अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं अभी। और हो सकता है दिवाली से पहले उनको स्टॉक में लाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो उससे पहले ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट देख लेना, ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर करनी ज़रूरी हैं। और अगर ये वीडियो पूरी आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में भी आएंगी। जितने भी प्रोडक्ट हैं इनकी सारी डिटेल्स हैं, रेट हैं, और किस तरीके से आप अपने घर पर इन प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। काफ़ी सारे बंदों का यही क्वेश्चन होता है कि भाई ठीक है, प्रोडक्ट हमने आपके देख लिए, वीडियो भी देख लिए, तो इनको परचेज कैसे करना है, कोई वेबसाइट है, या फिर कैसे, क्या प्रोसेस रहती है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस की बात करूंगा, यहाँ पे प्रोसेस क्या है। और सबसे जो मेनली चीज़ है वो है हमारा COD का हिसाब किताब। मतलब कई बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई कैश ऑन डिलीवरी कर दो, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचेगा, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर सबसे मेन जो फोकस है मेरा COD को लेकर ही है। तो यहाँ पे क्लियर कर दूं कि भाई जितने प्रोडक्ट यहाँ पे अपने पास रखे हुए हैं एम्पलीफायर्स को छोड़ के, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट रखे हुए हैं ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो प्रोडक्ट हैं सब पे COD अवेलेबल है। लेकिन COD अगर आपको चाहिए तो इन पे किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, COD अगर आपको करवाना है उसके लिए भी आपको 1000 रुपये एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो COD पार्सल है वो निकलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि 2000 रुपये से नीचे का कोई भी प्रोडक्ट है, या फिर 2000 रुपये से नीचे का कोई भी आपका आपने कुछ भी परचेज किया है, तो उस पर कोई COD अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि बंदे मजे लेने के चक्कर में, या फिर दूसरे के नुकसान करवाने के चक्कर में, आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में कौन कौन बैठे हुए हैं, जलते हैं हम लोगों से, ठीक है, या फिर आपस में ऐसे कंपटीशन के चक्कर में लोग करते हैं, कुछ भी कह लो, कि प्रोडक्ट ऑर्डर किया COD, लेना देना उनको कुछ होता नहीं है अपना, उसके बाद कोरियर वाला जो बंदा होता है उनको कॉल करता है कि भाई आपका पार्सल आया हुआ है और ऐसे ऐसे पार्सल है, तो वो ना तो उनको बोलते हैं कि हाँ हमें पार्सल चाहिए, और बाद में उनकी जो कॉल वगैरह है वो भी उठाना छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि सामने वाला जो बंदा है, कस्टमर है, जो भी हमसे कॉन्टैक्ट करता है, उनके क्वेश्चन ये भी होते हैं कि सर कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कि भाई हम मान लो जैसे हम मान लिया हमने पेमेंट कर दिया आपको, हमारा जो प्रोडक्ट है वो आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ की क्या गारंटी है, हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए कहीं, हमारे साथ पहले हो चुका है। तो ये जो पहले होने वाली चीज़ें होती है ना, ये सारी मेरे हिसाब से तो कोई एक आध बंदा ही होगा, 100 में से कोई एक आध बंदा ही होगा जो ऑनलाइन काम कर रहा है और वो किसी के साथ फ्रॉड कर रहा होगा, ठीक है। नहीं तो आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो सारे का सारा बिजनेस बन चुका है, अपना जो बिजनेस है वो इंक्रीज करने के चक्कर में लोग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग उन बंदों से थोड़ा सा दूर रहें जो मीठी मीठी बातें करते हैं और करना धरना उनको कुछ होता नहीं है, वो लोग आप लोगों के साथ में फ्रॉड करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे COD का क्लियर हो चुका है कि COD किस तरीके से करना है और किन किन बंदों को COD नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, COD पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो अभी जो रेगुलर कस्टमर हैं हमारे जो परचेज करते हैं, तो उन बंदों को तो पता ही है, वो तो COD वगैरह करवाते ही नहीं है हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट रखे हैं इनके रेट के बारे में, और इनके जो भी है किस तरीके से क्या यूज करना है वो सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, मुझे खुद नहीं पता भाई कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सामने यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है 400 वोल्ट मोनो का एम्पलीफायर बोर्ड, तो यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 400 वोल्ट मोनो, जो कि हम इसके अंदर जैसे स्पीकर भी यूज कर सकते हैं, सबवूफर भी यूज कर सकते हैं। कई बंदों को जैसे DJ वाले स्पीकर यूज करने होते हैं, मान लो 400 वोल्ट, 500 वोल्ट का, 600 वोल्ट तक का भी स्पीकर इस पे इजिली चल जाता है, या फिर जैसे हमारे होते हैं ना वो क्या बोलते हैं उनको,
टॉप टॉप वगैरह जो होते हैं 12-12 इंची 15-15 इंच का एक टॉप ये आसानी से बजा देगा। मतलब 400 वोल्ट ट्रू आरएमएस इसके अंदर से निकलती है अगर हम 45045 का ट्रांसफॉर्मर इसमें लगाते हैं तो। ठीक है, बाकी क्वालिटी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह हैं वो जिलिन के लगे हुए हैं, 2SE5200 और 2SA1943। कैपेसिटर्स इसके अंदर जूनजल के लगे हुए हैं, 10,000 माइक्रोफैड 80 वोल्ट के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ पे इसके कनेक्शन वनेक्शन 45045 की सप्लाई निकल जाएगी, यहाँ से आउट निकलेगी और इनपुट के लिए इनपुट लिखा ही हुआ है। ठीक है, ड्राइवर सेक्शन वगैरह इसके अंदर आप लोगों को पता है C5198 और 1941 इसके अंदर ड्राइवर सेक्शन के अंदर लगे हुए हैं। तो हीट सिंक वगैरह जो है वो काफी मोटी इसके अंदर हीट सिंक लगी हुई है, क्योंकि प्योर आरएमएस निकलती है 400 वोल्ट। हालांकि 45045 अगर 10 एम्पीयर का ट्रांसफॉर्मर आप इस पे लगाते हो तो लगभग 450 वोल्ट से ऊपर भी चला जाता है ये आरएमएस। ये आरएमएस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं मार रहा भी इतनी पावर का है उतनी पावर का है। तो 400 वोल्ट जो प्योर आरएमएस होती है वो इसके अंदर से निकलेगी और ऐसी करारी साउंड इसके अंदर से निकलती है, मजा आ जाता है। और रही बात सबवूफर की, अगर आप लोगों को इस पे सबवूफर चलाना है तो सबवूफर के लिए आपको इस पे लगाना पड़ेगा लो पास फिल्टर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाइट कलर का बोर्ड है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके अंदर कई सारे वेरिएंट हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की बात हो रही है तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे हमारे सामने रखे हुए हैं, तो ट्रांसफॉर्मर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। 30030 का ट्रांसफॉर्मर है, 45045 का है, मतलब कि कस्टमाइज बन सकता है आपको 30030 का, 24024 का, या फिर कोई भी ट्रांसफॉर्मर चाहिए 24024 से ऊपर का तो वो बन जाएगा, डबल सप्लाई में ट्रिपल सप्लाई में जो भी बनवाना है वो बन जाएगा। तो इसके रेट की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे रेट का आप लोगों को पता है कि पहले ये जो बोर्ड है ये 2200 रुपये का बोर्ड था अपना। ठीक है, अभी जो बंदे पूरी पेमेंट करेंगे एडवांस में उन बंदों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का बोर्ड है, प्लस आपका जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो। ठीक है, सीधा सीधा 200 रुपये का डिस्काउंट। एक और भी ऑफर है इसके अंदर आप लोगों के लिए, मेरे लिए आप लोगों के लिए एक और ऑफर है इसके ऊपर, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि या तो 200 रुपये का डिस्काउंट ले लो सीधा सीधा, मतलब 2000 रुपये का बोर्ड ले लो और डिलीवरी चार्ज जो भी लगेगा। दूसरा ऑफर ये है कि 2200 रुपये का बोर्ड है, साथ में एक मोनो प्रीएम्प आप लोगों को इसके साथ में फ्री में मिल जाएगा। ये हमने नया लॉन्च करा है मोनो प्रीएम्प, इसकी मैंने साउंड टेस्टिंग वगैरह की भी वीडियो नहीं डाली है, तो मैंने सोचा कि भाई ये थोड़ा सा कॉम्बो बना के देंगे लोगों को ताकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को हो सके। इसके अंदर ये जो प्रीएम्प है ये हमारा वही रेट है 480 रुपये। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा 480 रुपये का फायदा आपको हो रहा है इसके साथ में, ये फ्री मिल रहा है। ठीक है, या फिर बोर्ड ले लो आप 2000 रुपये का। ठीक है, तो इसके साथ में फिर आप लोगों को प्रीएम्प नहीं मिलेगा और प्लस आपका जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो, तो आप लोगों को डिसाइड करना है भाई प्रीएम्प साथ में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद 400 वोल्ट से ही स्टार्ट करी है हमने, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है 400 वोल्ट स्टीरियो के रखे हुए हैं मॉन्स्टर बोर्ड, देख सकते हो आप लाइन में वहां से वहां तक ये 400 वोल्ट स्टीरियो रखे हुए हैं। और इसके अंदर पहले क्या था कि काफी सारे बंदों की ना कंप्लेंट आ रही थी मेरे पास कि सर जो थर्मोस्टेट है वो आप अलग से मत दो, थर्मोस्टेट बोर्ड के ऊपर लगा के दो ताकि हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि लोगों को ना इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई थर्मोस्टेट क्या होता है, काम क्या करता है। यहां तक कि इसके अंदर जो फ्यूज प्रोटेक्शन लगी हो ना, फ्यूज के बॉक्स लगे हैं, लोगों को उनका भी नहीं पता कि मतलब इसके अंदर फ्यूज कैसे लगाते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो इसके मैं अंदर बता देता हूं, इसके अंदर वही है अपना हिसाब किताब, फ्यूज प्रोटेक्शन है, थर्मल प्रोटेक्शन दिया गया है। और अब की बार जो थर्मोस्टेट है वो पूरी तरीके से हीट सिंक पे माउंट करके और इनका पीछे से इसके जो कनेक्शन करके हमने इसको प्रॉपर तरीके से पैक करके एक तरीके से बना दिया है ताकि जो बंदे हैं उनको कोई भी किसी तरीके की परेशानी ना आए। ठीक है, क्योंकि कई जितने बंदों ने पिछली बार लिया था बोर्ड वो बोल रहे थे कि इसके अंदर साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। तो उसके बाद फिर मैंने बताया लोगों को कि भाई इसके अंदर जो थर्मोस्टेट है, जब तक थर्मोस्टेट आप अटैच नहीं करोगे इसके साथ में तो स्पीकर से कोई भी आउटपुट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो जो थर्मोस्टेट है दोनों चैनल्स के अंदर सीरीज में लगा हुआ है, जो स्पीकर की वायर होती है उसके सीरीज में लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने अब की बार इसके अंदर सारा का सारा सेट करके तभी जो कस्टमर के पास ये बोर्ड पहुंचेगा।
ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम ऑफर है, ये पहले 2400 रुपए का बोर्ड था हमारा, तो उसके बाद हमने इसको सेल किया था 2200 रुपए में। तो अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि और दिवाली सेल में फिर से आपको 2200 रुपए का मिलेगा, प्लस आपका डिलीवरी चार्ज जो भी होगा वो, ठीक है, इसमें है ये ऑफर। हाँ, जिसको सीओडी करवाना है सीओडी भी हो जाएगा, 1000 रुपए एडवांस लगेंगे, कोई भी ऑफर आप लोगों को इस पे फिर नहीं मिलेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 400 वोल्ट स्टीरियो हो गया। एक चीज और क्लियर यहां पे कर देता हूं, पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो रेडी पड़ा हुआ है, जितने बंदे ऑर्डर करेंगे फटाक से निकल जाएगा माल उनका, ठीक है। बाद में ये मत बोलना कि सर हमें ऑर्डर करना था, कितने एक दो दिन में चाहिए, दो तीन दिन में चाहिए, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि फिर माल हो जाता आउट ऑफ स्टॉक, और माल आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद फिर माल बनता है, उसके बाद कोरियर में डलता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो ये था 400 वोल्ट स्टीरियो। तो उसके बाद यहां पे जो ये पीसीबी है, ये हमारे 3000 वोल्ट का जो ड्राइवर अभी हमने लॉन्च किया था, जो वीडियोज आई थी मेरी, मेरे हिसाब से 15-20 दिन हो गए हैं वीडियो को, तो उस टाइम पे ये हमने लॉन्च किया था, काफी सारे बंदों की क्वेरी आई थी, लेकिन ये माल अवेलेबल नहीं था। तो अभी जो पीसीबी है ये कल ही आई है, देख सकते हो डबल लेयर में है पीसीबी, बिल्कुल चमचमाती हुई पीसीबी है, ठीक है। 3000 वोल्ट का ड्राइवर बोर्ड है, लेकिन ये इसका माल अभी इसको स्टॉक में नहीं लेके आ पाए वीडियो में, लेकिन इसको कल ही मैं रेडी करवा दूंगा। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा ड्राइवर बोर्ड अपना 3000 वोल्ट का, और ये आपको पड़ेगा 1000 रुपए का पड़ेगा, जो कि मैंने एक ग्रीन कलर में लॉन्च किया था, वो भी 1000 रुपए का था हमारा, ये भी 1000 रुपए का ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखा हुआ है अपना 800 वोल्ट का मॉन्स्टर। ये बोर्ड इतनी डिमांड में रहता है भाई साहब, क्योंकि इसकी जो फाइल है हमने मंगवाई थी इंडोनेशिया से, आप जानते हो कि सीबीजेड प्रोजेक्ट करके बंदा है एक, काफी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, तो उस बंदे ने इसको बनाया है भाई, पूरा क्रेडिट जाता है उस बंदे को, क्योंकि उसका सर्किट है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी जबरदस्त है, इसको हम मतलब अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली चीज तो खास चीज ये है इसके अंदर कि इसके अंदर डीसी सर्वो इनबिल्ट है, जो डीसी ऑफसेट होता है वो बिल्कुल जीरो ही रहता है, जीरो ही मान सकते हैं हम। किसी भी बोर्ड के अंदर जीरो डीसी ऑफसेट होना, तो ये लगा लो कि वो बोर्ड बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलेगा, और इसके अंदर वही चीज है, डीसी सर्वो इनबिल्ट है। दूसरी चीज ये है कि डीसी सर्वो इनबिल्ट होने की वजह से हम किसी भी एम्पलीफायर के अंदर, जिसके अंदर आउटपुट ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, किसी भी एम्पलीफायर के अंदर हम इसको लगा सकते हैं। जैसे 700-800 वोल्ट के एम्पलीफायर वगैरह आते हैं ना, आहूजा स्ट्रेंजर वगैरह ये वो, तो उनमें किसी में भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसको बिना आउटपुट ट्रांसफॉर्मर के भी हम चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन भी इनबिल्ट दिया गया है, फ्यूज प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दी गई है। तो ये जो बोर्ड है, स्टार्टिंग में हमने इसको लॉन्च किया था भाई साहब 2800 रुपए में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसकी सेल निकाली थी 2600 रुपए में। अभी इसकी जो सेल है वो है सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए का बोर्ड है। इसके अंदर भी तीन वेरिएंट आप लोगों को मिलेंगे, एक 2500 का है जो कि 2SC5200 के साथ है, ठीक है। दूसरा है C5198 में जो कि 1900 रुपए का है। तीसरा है NJW में, NJW0281 जो कि अपना रहेगा 2800 रुपए का, ठीक है। तो तीनों वेरिएंट्स के मैंने बता दिए रेट। उसके बाद इसके साथ में रहती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मेरे पास यहाँ पे दो हैं, जो कि एक 4 कैपेसिटर की है और एक यहाँ पे 6 कैपेसिटर की है। तो इसके साथ में अगर आप पावर सप्लाई लेते हो, तो वैसे 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई आपको पड़ती है 1200 रुपए की। अगर इसके साथ में आप लेते हो तो सीधा सीधा 100 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 1100 रुपए की आपको पावर सप्लाई मिलेगी अगर बोर्ड के साथ में आप लेते हो तो, ठीक है। अगर फुल पेमेंट आप करोगे तो उसमें 50 रुपए का और भी लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 800 वोल्ट का हिसाब किताब। तो उसके बाद हम जाते हैं सीधे कहां पे, घूम फिर के हम चलेंगे इधर। तो यहाँ पे एक ये पेटी भरी हुई है, ये जाना है अपना केरला में जाना है ये माल, जो कि 5.1 मतलब 5 चैनल वाला बोर्ड इसके अंदर भरे हुए हैं। ये केरला में जाएंगे क्योंकि उसी साइड ज़्यादा बनते हैं 5.1 7.1 वगैरह के, तो उधर जाना है ये। तो हम 400 बोर्ड के बाद यहाँ पे आते हैं, हमारा ये रखा हुआ है TDS 7294, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है गाइज, ये हमने बनाया था कंप्लीट सेट इसका बनाया था, जिसके अंदर प्रीएम्प वगैरह
लो पास फिल्टर आउट और पावर सप्लाई वगैरह, स्पीकर प्रोटेक्शन देख लो, सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ट हमने करी ताकि एक कंप्लीट एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट बन सके। और ये बोर्ड भी काफ़ी अपना ट्रेंड में है, काफ़ी बंदे इसको खरीद चुके हैं और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी हाई एंड क्वालिटी है, मतलब ठीक है। इसके बारे में मैंने फुल वीडियो भी डाल रखी है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। और इसके अंदर मैं बता दूं, डबल आईसी लगी हुई है TDA 7294 की, 100+100 वोट का एम्पलीफायर है। और इसके अंदर बस आपको ट्रांसफॉर्मर लगाना है, चाहे आप EI कोर का लगा दो या ट्रोइडल लगा दो, 24024 का ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम इसके अंदर चलेगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना कौन सा लगाओगे। और 4 ओम के स्पीकर, 8 ओम के स्पीकर फाड़ के रख देगा, 10-10, 12-12 इंच के स्पीकर को ये, ठीक है। और मतलब जो साउंड की क्लैरिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि इससे ऊपर एक IC है LM3886 जो कि मार्केट में कहीं नहीं है। तो दूसरे नंबर पे है ये TDA 7294, तो इसलिए हमने इसको बनाया था इस तरीके से कि लोग इसको पसंद करें और परचेज करें एक अच्छी साउंड के लिए, एक क्रिस्टल क्लियर साउंड के लिए। यहाँ पे लगेंगे टोन, जो कि प्लास्टिक वाले टोन होते हैं हमारे, वो यहाँ पे लग जाएंगे और वो इसके साथ में ही मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इसका जो रेट है वो पहले 2400 रुपये था, अभी आपको ये 2350 रुपये में मिल जाएगा, जो डिलीवरी चार्ज है वो आपका एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है गाइज। तो ये देख लेना हिसाब किताब। उसके बाद यहाँ पे स्टीरियो पे चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे 200 वोल्ट स्टीरियो रखा हुआ है, ये सदाबहार बोर्ड है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा, काफ़ी सारी वीडियो में बना चुका हूँ। और ये जो बोर्ड है ये था 1300 रुपये का, अभी 1250 रुपये का इसको दे देंगे। ये अपना 30030 पे चलेगा, 24024 पे भी चल जाएगा। 30030 लगाओगे, 5-6 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर जो भी लगाओगे, जितना एम्पियर ज़्यादा करोगे उतनी तगड़ी साउंड क्वालिटी इसमें से आप लोगों को मिलेगी। 15-15 इंच स्पीकर भी इसके अंदर हम यूज कर चुके हैं, काफ़ी अच्छी साउंड आती है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको 15 इंच ही चलाना है तो फिर आप 400 वोल्ट स्टीरियो ही लेना, ठीक है, या फिर मोनो ले लेना। उसके बाद मोनो पे बात कर रहे थे हम, तो मोनो यहाँ पे देख सकते हो 200 वोल्ट मोनो यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि ब्लैक बीस्ट यहाँ पे रखा हुआ है भाई साहब, ठीक है। तो यह है 200 वोल्ट मोनो, तो 200 वोल्ट मोनो भी पहले अपना 1400 रुपये का था, तो अभी ये 1300 रुपये का आप लोगों को मिलेगा। और इसके अंदर ड्राइवर सेक्शन देख सकते हो, जो कैपेसिटर्स वगैरह हैं 10000 माइक्रोफैड 50 वोल्ट के लगे हैं, 30030 पे ऑपरेट करेगा, 24024 पे भी चल जाएगा। सबवूफर के लिए बेस्ट है, अगर आप लोगों को 250-300-350 वोल्ट तक का भी सबवूफर है आपका, तो वो आप इसमें इजिली चला सकते हो, ठीक है। और इन जितने भी बोर्ड दिखा रहा हूँ एक एक करके, इनकी सबकी जो साउंड टेस्टिंग है वो भी आएगी और काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को टेस्टिंग देख के। उसके बाद यहाँ पे हैं 200 वोल्ट मोनो के ड्राइवर्स, जो कि विदाउट हीट सिंक और विदाउट ट्रांजिस्टर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसका रेट मैंने बता दिया था, कंप्लीट का 1300 रुपये है। उसके बाद ये जो ड्राइवर्स रखे हुए हैं ये आप लोगों को 800-800 रुपये के मिल जाएंगे, जितने भी चाहिए उतने मिल जाएंगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे 5 चैनल वाले बोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रखा हुआ है अपना 5 चैनल वाला बोर्ड, तो इसके अंदर 100-100 वोल्ट की 5 आउटपुट निकली हुई है। और यहाँ पे हैं इसके इनपुट के कनेक्टर्स वगैरह, और इसके अंदर 2SC 5200 और 2SC 1943 लगे हुए हैं। ये भी हमारा 30030 पे ऑपरेट करता है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है ओए होए, मतलब कि जो डॉल्बी साउंड वगैरह बनाते हैं या फिर 5.1 7.1 जो सराउंडिंग सिस्टम बनाते हैं ना लोग, वो इसको परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर जिनको 5-5, 6-6 स्पीकर यूज करने हैं वो भी इसको परचेज करते हैं। तो उन बंदों के लिए ये जो 5 चैनल वाला बोर्ड है ये काफ़ी अच्छा है और उसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है। इसकी साउंड टेस्टिंग की जो वीडियो है वो भी मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी आप लोग एक बार जरूर देखना। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है 2.1 का प्रीएम, तो 2.1 का जो प्रीएम्प है ये भी अवेलेबल हो चुका है स्टॉक में। इसके अंदर लो पास फिल्टर है जो स्पेशली सोनी का हमने इसके अंदर ऐड कर रखा है, और लेफ्ट राइट के लिए जो स्टीरियो प्रीएम्प है उसकी क्वालिटी भी जबरदस्त एकदम मस्त, ठीक है। और इनके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं भाई साहब, मैं आप लोगों को बता दूं कि लोग क्या करते हैं सस्ते सेल करने के चक्कर में, कि भाई हमारे पास कस्टमर ज़्यादा जुड़े, क्योंकि पता है आप लोगों को कि थोड़ा सा सस्ता दिखा प्रोडक्ट कुत्तों की तरह लग जाते हैं लोग उसके पीछे, उसमें ये नहीं देखते कि भाई क्वालिटी क्या है, चलेगा कितने दिन, वो ये चीज़ देखते ही नहीं है, बस सस्ता दिख जाए एक बार बस भगदड़ मच जाती है उधर। तो वो वही है, लगा लगा के उनके अंदर वो
600-600 रुपए के 5-5 हजार पीस आते हैं ना रेजिस्टेंस के, वो लगा लगा के सेल कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे जितने यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटर्स रेजिस्टेंस जितने भी लगे हैं सारे के सारे फिलिप्स के लगे हैं और हाफ वोट के अंदर लगे मेरे भाई, जो कि 4200 रुपए का डब्बा आता है 5000 पीस का, 4200 कहाँ कहाँ 600 रुपए, ठीक है समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के अंदर फिलिप्स के यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए हैं। उसके बाद पांच चैनल का हो गया, मैंने यहाँ पे 2.1 प्रीएम्प बता दिया 700 रुपए का है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रीएम्प और रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इधर चलता हूं। तो यहाँ पे ये जो प्रीएम्प है ये है अपना 480 रुपए का, जो कि स्टीरियो प्रीएम्प है। और उसके बाद यहाँ पे है सॉफ्ट स्टार्टर, यहाँ पे रखा हुआ है सॉफ्ट स्टार्टर भी 480 रुपए का है। उसके बाद यहाँ पे है पावर सप्लाई, मैंने आप लोगों को बता दी कि पावर सप्लाई आप इसके इनके साथ खरीदते हो तो डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। अगर आप खाली सिंगल पावर सप्लाई लेते हो तो ये है हमारी 1200 रुपए की, बाकी अगर आप पूरी पेमेंट करते हो तो इसके अंदर और डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर मैं एक क्वालिटी दिखा देता हूँ एक बार कैपेसिटर्स की, यूसोनिक के कैपेसिटर लगे हैं 100 वोल्ट के। और यहाँ पे है 6 कैपेसिटर की सप्लाई जो कि 1800 रुपए की है, आप देख सकते हो इसके अंदर जुंजल के लगे हुए हैं जो कि 10000 माइक्रोफेड और 100 वोल्ट के यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ये जो ड्राइवर बोर्ड है, 1400 वोल्ट का ड्राइवर बोर्ड है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ड्राइवर बोर्ड काफी दिनों से हम सेल करते आ रहे हैं, इसकी क्वालिटी मस्त एक नंबर, ठीक है। क्योंकि कई बंदे होते हैं ना भाई, उनको जो मदरबोर्ड है वो अलग से लगाना होता है और ड्राइवर बोर्ड है वो अलग से लगाना होता है, तो उन बंदों के लिए ये जो ड्राइवर बोर्ड है वो सबसे बेस्ट है। आप वो एक घटिया सा बोर्ड यूज करते हैं ना मार्केट के में आता है वो 2K2 करके, ठीक है, उससे तो कहीं ज्यादा बेहतर है ये। और ये अपना 90-0-90 डीसी वोल्ट तक चलता है, हालांकि 100-0-100 पे भी चल जाता है, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप इसको 90-0-90 या 95-0-95 तक ही इसको चलाओ डीसी वोल्ट से। तो उसके बाद हम यहां आते हैं 200 वोल्ट मोनो पे, जो कि विदाउट सप्लाई हमारा सेल होता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज में, जो कि लोग कार वगैरह के अंदर ई रिक्शा वगैरह के अंदर एम्पलीफायर बना के यूज करते हैं इसको कन्वर्टर के ऊपर। और इसमें से जो आउट निकलती है ना आप बता नहीं सकते कि 200 वोल्ट का एम्पलीफायर बज रहा है या 400 वोल्ट का बज रहा है, ऐसी आउटपुट निकलती है इसके अंदर से। तो अभी हम बात करेंगे इसकी पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे कई बंदे इसको देख के कन्फ्यूज होते हैं, 70-0-70 इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जो 70-0-70 प्लस माइनस लिखा हुआ है ये इस ड्राइवर की मैक्सिमम वोल्टेज है। ये नहीं है कि भाई आप इस पे 70-0-70 ही लगाओगे, ये मैक्सिमम वोल्टेज है इसकी, ठीक है। तो इस पे आप 24-0-24 का कन्वर्टर भी लगा दोगे तब भी आप लोगों को इसके अंदर से गदर वाली आउटपुट मिलेगी एक नंबर बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट में अपने C5198 और 1941 लगे हुए हैं, जो कि तोशिबा के बिल्कुल ओरिजिनल इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसके अंदर भी आप लोगों को हमारा जो फ्यूज प्रोटेक्शन होता है वो, और साथ में हमारा जो थर्मल प्रोटेक्शन होता है वो, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था ये वाला, इसके अंदर भी वो सेम टू सेम अटैच होता है। अगर ओवरहीट हमारा बोर्ड होता है तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ हो जाएगा, ओवरहीट होने पे हमारा जो बोर्ड जल जाता है, तो उससे ये एक तरीके से हमारा जो बोर्ड है सेफ हो जाता है, ठीक है। और साथ में जोबल नेटवर्क वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये आउटपुट के लिए यहाँ पे टर्मिनल लगे हुए हैं, यहाँ पे इनपुट के लिए कनेक्टर लगा हुआ है, तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कनेक्शन वनेक्शन करने में। तो इसका भी फुल स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। ये जो बोर्ड है ये 680 रुपए का था पहले, अभी सेल प्राइस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का मिलेगा। भाई साहब दबा के सेल हो रहा है ये माल, और इसको आप जितना जल्दी हो सके परचेज कर लेना, क्योंकि एक बार माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बनने में, ठीक है। तो उसके बाद हमारी सीरीज आती है यहाँ पे हैवी बोर्ड्स की, जो कि 2000 वोट 2400 वोट के यहाँ पे जो बोर्ड है हमारे रखे हुए हैं, और इनका रेट वेट है जो वो भी आप लोगों को बताता हूं मैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे, ये हमने नई पीसीबी बनवाए है, ये पहले ग्रीन कलर की थी तो अभी हमने इसको ब्लैक करवा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक हीट सिंक विद एनोडाइज, नो कि इसके ऊपर कोई स्प्रे पेंट नहीं करा गया है, ये एनोडाइज है। और ये वाइट वाइट कलर का जो लगा है ये
हमारे लगी हुई है, वो क्या बोलते हैं जो ट्रांजिस्टर्स के नीचे लगाते हैं, थर्मल पेस्ट, ठीक है, वो यहाँ पे लगी हुई है। तो ये जो बोर्ड है गाइज, ये आप लोग देख सकते हो, ये है 2SC5200 और 2SA1943 के अंदर, और इसके अंदर जो ड्राइवर सेक्शन है वो आप देख सकते हो काफी तगड़ा लगा हुआ है। TEF जो होता है, ट्रिपल एमीटर फॉलोवर्स वाला जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो इसके अंदर लगा हुआ है। OCP वगैरह इनबिल्ट है, स्पीकर प्रोटेक्शन इनबिल्ट है, थर्मल प्रोटेक्शन इनबिल्ट है, जोबल नेटवर्क इनबिल्ट है, और काफी सारी चीजें हैं जो इसके बारे में मतलब पूरी बताने लग गया तो ये वीडियो भाई साहब यहीं पे रात हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि बस ये बता दूं कि इसका रेट कितना है, ठीक है। तो इसका जो रेट है वो है हमारा 3,800 रुपये। साथ में आपको एक चीज मिलेगी फ्री, ये वाला हिसाब किताब, क्योंकि मोनो बोर्ड है हमारा, साथ में मिल जाएगा आपका मोनो प्रीएम्प, साथ में फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर साथ में आप इसके ले सकते हो सॉफ्ट स्टार्टर, वो आपकी मर्जी है, आपको प्रीएम्प चाहिए या सॉफ्ट स्टार्टर चाहिए, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये है इस पे ऑफर। उसके बाद हमारा रहता है इसी में आउटपुट की बात कर रहा था मैं, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगेगा ना वो 65065 लगेगा 25 एम्पियर का, अगर आपको बिल्कुल एकदम जहरी साउंड चाहिए तो। किसी का बोर्ड रख लेना इसके टक्कर में, जो लोग 2500-2500 वोट चिल्लाते हैं ना, 2500 वोट 2500 वोट, उसके साइड में रख के चला देना इसको, ठीक है। जितनी पावर का ट्रांसफार्मर उस पर लगाओगे ना उतनी पावर का इस पर लगा देना, और आप लोग देख लेना कि बेहतर किसका चल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हीट सिंक वगैरह, जो छोटे ट्रांजिस्टर्स हैं इन पे भी हीट सिंक लगाई गई है, यहाँ पे 7812 लगी हुई है रेगुलेशन के लिए, इस पे भी हीट सिंक लगाई गई है, और यहाँ पे है हमारा डीसी वोल्ट लग जाएगी यहाँ पे 110.0 तक यहाँ पे प्लस माइनस हमारा चल जाएगा ये, ठीक है। स्पीकर आउटपुट यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद हमारा रहता है वाइट कलर का ये वाला, तो ये आगे भी रखे हुए हैं, तो आगे वाले ही मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये है NJW में, तो NJW में ये पड़ेगा आपको, पहले 4400 रुपये का था, अभी 4200 रुपये का है, साथ में 4200 में भी आप लोगों को ये मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। और क्या बताऊं, इसके अंदर भी वही सारी की सारी चीजें इनबिल्ट हैं, OCP वगैरह, ये वो, स्पीकर प्रोटेक्शन फलाना ढिमकाना, जितनी प्रोटेक्शन हो सकती है वो सारी की सारी हमने इसके अंदर दे रखी है। तो कैसे भी स्पीकर की वायर वगैरह शॉर्ट वॉट करके रखो, या फिर जैसे कई बार क्या होता है मिक्सर से ज्यादा गेन खुल जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा जो एम्पलीफायर है वो ज्यादा एकदम से ज्यादा लोड पे चला जाता है, ठीक है, तो उस चीज से भी ये प्रॉपर तरीके से सेफ है, ठीक है। तो इसके अंदर ये 4200 का पड़ेगा, और एक है C5198 में जो कि आपको पड़ेगा 3200 रुपये का। भाई साहब 2400 वोट का बोर्ड है, लेकिन हम इसको फिर भी 2000 वोट का ही बोल के सेल करते हैं। फुल्ली 2 ओम स्टेबल है, 1 ओम पे भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी स्पीकर जोड़ के चला लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ भी करोगे, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बोल रहा मैं, एक तरीके से सेफ ही चलाना है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई 2 ओम स्टेबल है, 1 ओम पे भी चल जाता है, ठीक है। इसमें भी पावर सप्लाई सेम टू सेम लगेगी, 65065 या फिर 70070 भी आप चला सकते हो इस पे, ठीक है, वैसे ही इस पे भी आप 70070 यूज कर सकते हो, लेकिन C5198 वाला जो है उस पे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 60060 ही चलाओ, 65065 भी उस पे चल जाएगा, बट वही है 60060 थोड़ा सा सेफ साइड रहेगा C5198 पे, लेकिन आउटपुट उसकी भी एकदम बेहतरीन आती है भाई साहब। इसके अंदर एक चीज और यहाँ पे है जो कि माइक सर्किट है, ये देख सकते हो माइक सर्किट, तो ये आउट ऑफ स्टॉक चला हुआ था, अभी इसका फुल स्टॉक आ चुका है, लेकिन ये अपना मिलेगा आपको 5-5 पीस अगर आप लोगे तभी ये मिलेगा, चलो 5 की बजाय हम 3 कर देते हैं, अगर 3-3 पीस भी आप लोगे तो मिल जाएगा, 1-1 पीस किसी को भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ एक 500 वोट का बोर्ड जो कि अभी पेंडिंग में है, इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हो चुकी है, एम्पलीफायर भी हमने एक इसका बना दिया है, बस इसकी हीट सिंक आनी बाकी है, हीट सिंक आते ही इसको भी हम लॉन्च कर देंगे, फुल वीडियो जल्दी ही आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफी सारी प्रोटेक्शंस हैं, और उसके बाद हमारा क्या रह गया, उसके बाद यहाँ पे और तो कुछ ऐसा कुछ रखा नहीं हुआ है, यहाँ पे रखे हुए हैं हमारे एम्पलीफायर्स, तो एम्पलीफायर्स की बात कर लेते हैं। तो एम्पलीफायर्स बनते हैं भाई ऑर्डर पे, क्योंकि हम बनाते हैं कस्टमाइज करके, तो यहाँ पे अभी पहले क्या होता था, जो एम्पलीफायर हैं इनमें काफी टाइम लगता था बनने में,
कम से कम भी 15-15, 20-20 दिन, यहाँ तक कि भी महीना भी निकल जाता था एम्पलीफायर को बनने में। लेकिन अभी आप ऑर्डर करके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका एम्पलीफायर आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जो दो एम्पलीफायर रखे हुए हैं, इनमें से एक 2.1 है जो कि 200+100+100 है, और एक है मोनो 500 वोट का जो कि ये वाले बोर्ड के साथ हमने बनाया हुआ है। और इसकी साउंड टेस्टिंग मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दी है, लेकिन अभी इसकी लॉन्ग वीडियो भी मेरे हिसाब से कल मैं डाल दूंगा, तो वो भी आप एक बार चेकआउट जरूर करना, ठीक है। तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स हमारे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे इनके रेट भी। और मैंने बता दिया कि भाई जो लोग चिल्लाते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं, ये क्वालिटी वो क्वालिटी, तो क्वालिटी होती है ये जो बोल के बताते हैं इसके अंदर ये चीज़ है उसके अंदर वो चीज़ है, 600-600 रुपए वाले जो लगाते हो ना रेजिस्टेंस, वो क्वालिटी नहीं होती, ठीक है। सारे के सारे कॉपर में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस फिलिप्स की, ठीक है, ये होती है क्वालिटी। तो समझ जाओ आपको कहाँ से परचेज करना है, बाकी आप डिसाइड कर लेना, भाई मेरा काम था आप लोगों को बताना, ठीक है। वो चीज़ आप देख लेना कि क्वालिटी चाहिए, सस्ता चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो ठोक देना लाइक, और जो नए बंदे हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।